महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले सत्ताधारी में भाजपा और शिवसेना के बीच आ रही असहमति की आवाजों के बीच अब विपक्षी एकता में भी दरार देखने को मिल रही है। छोटे दलों और स्थानीय संगठनों को कांग्रेस एनसीपी की तरफ से दिया गया सीट बंटवारे का फॉर्मूला नहीं भा रहा है, जिसमें उन्हें 38 सीट देने का प्रस्ताव रखा गया है। इन दलों ने कांग्रेस और एनसीपी को अपनी 125-125 सीटों में से कम 12 सीटें और छोड़ने की मांग की गई है। तो वहीं राजू शेट्टी के स्वाभिमानी क्षेत्रकारी संगठन पीडब्ल्यूयूपी, पीआरपी और क्षेत्रीय कामगार दल ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि 50 सीट से कम पर उन्हें विपक्षी गठबंधन मंजूर नहीं है। ऐसे में अतिरिक्त सीटें कौन छोड़ेगा और कौन सी सीट छोड़ी जाएगी, यह सवाल कांग्रेस और एनसीपी के लिए मुसीबत बन सकता है। तो वहीं इन दोनों में दरारें भी आ सकती है, लेकिन देखा जाए तो एनसीपी और कांग्रेस का जो गठबंधन है उसमें सीटों का फॉर्मूला भी तय हो चुका था और अब इन सब के बीच में कहीं ना कहीं देखा जाए तो इन दोनों के गठबंधन में भी दरारें आ सकती हैं। सोनिया गांधी के साथ हुई कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के नेताओं की बैठक में तय हुआ है कि छोटे दलों का रवैया अड़ियल रहने का पर सिर्फ एनसीपी के साथ गठबंधन में आगे बढ़ेगी। ऐसी स्थिति में कांग्रेस 125 के बजाय 150 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी, जबकि एनसीपी को शेष 138 सीटों पर लड़ने का मौका दिया जाएगा। तो वहीं राज्य के प्रभारी महासचिव ने भी साफ कह दिया है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस 150 सीटों पर लड़ेगी। इस बयान से भी छोटे दलों के साथ गठबंधन की कोशिशें परवान नहीं चढ़ने का इशारा मिल रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने 150 सीट पर लड़ने की तैयारी भी शुरू कर दी है। अभी तक दो बार उम्मीदवारों के चयन की कवायद हो चुकी है, जिनमें एक बार 68 और दूसरी बार 49 उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए गए हैं। इसके नाम नवरात्र में 1 या 2 अक्टूबर को घोषित कर दिए जाएंगे। फिलहाल इन 117 उम्मीदवारों को 125 सीटों वाले पुराने फॉर्मूले के तहत चुना गया है, लेकिन अगर कांग्रेस 150 पर लड़ती है तो एनसीपी के साथ वार्ता कर अपने हिस्से की अन्य 25 सीटें चिन्हित करने के बाद उन पर भी उम्मीदवार तय कर लिए जाएंगे। तो वहीं देखा जाए तो अभी एनसीपी और कांग्रेस गठबंधन को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। SPN9 न्यूज रूम से श्रुति की रिपोर्ट।